हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स के बारे में जानेंगे। स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स एक मैनुअल टाइप गियरबॉक्स है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल व्हीकल में शुरुआती दिनों में किया जाता था, पर आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स में जब हम गियर को सिलेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है। इसी कारण से स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स का इस्तेमाल आजकल बहुत ही कम किया जाता है। इसके जगह पर आजकल इसका एडवांस वर्सन क्रोमाइस मैक्स गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स का। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। तो देख सकते हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है वह स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स का बना हुआ है। तो ब्लैक से जो बना हुआ है मेरा, ये क्या बना हुआ है, ये मेरा काउंटर शाफ्ट जो ब्लैक से है ये काउंटर शाफ्ट है, जो रेड से है ये क्लच शाफ्ट है, जो ब्लू से है ये मेन शाफ्ट है। समझ में आ गया, मेनली तीन शाफ्ट है। ओके, उसके बाद और क्या क्या है, उसके बाद देखते हैं ऊपर ये गियर लीवर है जिसे ड्राइवर सेलेक्ट करता है, ये फ्रॉक है, उसके बाद स्प्रिंग लोडेड बल्ब है ये, और ये सिलेक्टर रॉड है ऊपर वाला का। बाकी यहाँ पे देखते हैं ये आइडलर गियर है रिवर्स के लिए, ठीक है। बाकी यही सारा डायग्राम मेरा बना हुआ, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझते हैं, गियरबॉक्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो स्लाइडिंग मैक्स गियर बॉक्स जो होता है मेनली तीन शाफ्ट से बना हुआ होता है। क्या क्या शाफ्ट है, क्लब शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट। तीन शाफ्ट से बना हुआ है मेरा क्या, स्लाइडिंग मैक्स गियरबॉक्स, क्लब शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट। क्लच शाफ्ट ये जुड़ा हुआ होता है क्लच से, क्लच शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है क्लच से, और उसके बाद बीच में आता है मेरा काउंटर शाफ्ट, उसके बाद मैं जुड़ा हुआ होता है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट जो जुड़ा हुआ होता है वो जुड़ा हुआ होता है प्रोपेलर शाफ्ट थ्रू यूनिवर्सल ज्वाइंट के साथ, ठीक है। ओके, तो आप देखते हैं क्लच शाफ्ट को, क्लच शाफ्ट जो है उसमें एक ही गियर होता है, देख सकते हैं जैसे फिगर पे, और वो गियर हमेशा कॉन्टैक्ट मैच में होता है किसके साथ, काउंटर शाफ्ट के सबसे बिगर गियर के साथ, जहाँ की हम लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं काउंटर शाफ्ट को, काउंटर शाफ्ट में जैसे ब्लैक में है देख रहे हैं चार गियर, एक दो तीन चार गियर है, पर चार गियर में दो गियर हमेशा कॉन्टैक्ट में होता है, कॉन्टैक्ट मैच में होता है, जैसे कि स्लब शाफ्ट में जो गियर है उसके साथ एक गियर मैच में है और दूसरा गियर जो स्मॉलर गियर है वो है रिवर्स गियर के साथ कांटेक्ट में है, ये हमेशा। तो इसका मतलब कि दो ही गियर ये यहाँ पे फ्री है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मैन शाफ्ट को, मैन शाफ्ट में मेरा क्या कौन सा गियर होता है, दो शाफ्ट, दो गियर होता है मैन शाफ्ट में, कितना गियर है, दो शाफ्ट, दो गियर है, यही दो गियर ही के कॉम्बिनेशन से हम लोग गियर को सिलेक्ट करते हैं, और ये दो गियर जो है वो इसके जो स्प्लाइन है उस पर स्प्लाइन कटर होते हैं, मतलब ग्रुप कटे हुए हैं उसमें ये फ्रीली स्लाइड कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, जिससे ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग गाड़ी के स्पीड और लोड के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं गियर लेवल के थ्रू, ठीक है। तो यही मेरा कंस्ट्रक्शन है, क्लियर, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका वर्किंग, काम कैसे करता है ये। वर्किंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। पावर का ट्रांसमिशन जो होता है क्लच शाफ्ट से यहाँ पे आता है, उसके साथ जाके मेरा आइडलर काउंटर शाफ्ट में होता है पावर का ट्रांसमिशन, उसके बाद जाके काउंटर शाफ्ट से ही मेरा मेन शाफ्ट में पावर की ट्रांसमिशन होता है, उसके थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है, उसके बाद रियल में पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जब फर्स्ट गियर को, तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, फर्स्ट गियर में जो होता है लीवर के थ्रू गियर को हम स्लाइड करके जो सबसे बड़ा बिगर गियर है मेन शाफ्ट में, बिगर गियर जो है मेन शाफ्ट में मान लेते हैं ए, बिगर गियर है मेन शाफ्ट का ए जो टकराता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग वन, ए वन के साथ जब कॉम्बिनेशन करता है, ए वन के साथ जब
मैच करता है तब हमको क्या मिलता है, तो हमको फर्स्ट गियर मिलता है, मतलब कि सबसे मैन शाफ्ट का सबसे बड़ा गियर और काउंटर शाफ्ट का छोटा गियर जो मतलब फ्री है उसके साथ जब मैच करता है तो हमको फर्स्ट गियर मिलता है। कैसे मैच करता है, स्लाइडिंग के थ्रू। और गियर एक किसमें स्लाइड करता है, स्लाइड में स्लाइड करता है, मतलब मैन शाफ्ट के मैन शाफ्ट में जो स्प्लाइन होते हैं उसमें वो स्लाइड करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकेंड गियर। सेकेंड गियर में क्या होता है, सेकेंड गियर में जो गियर मेरा बी है, मान लेते हैं बी और ये टू, गियर गियर जो बी है वो किसके साथ मैच करता है, गियर टू के साथ मैच करता है, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, सेकेंड गियर मिलता है। सेकेंड गियर हो गया क्लियर। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग थर्ड गियर। थर्ड गियर जो होता है वो क्लच शाफ्ट का जो गियर होता है, ये मान लें क्लच शाफ्ट का गियर एक ही गियर है, क्लच शाफ्ट का गियर जब गियर बी के बी दोनों आपस में एक दूसरे से यहाँ सट जाएंगे, ये दोनों गियर अपन, ये जो है ये क्या है मेरा डॉग क्लच है, डॉग क्लच के थ्रू दोनों गियर आपस में मैच कर जाएंगे। किसके थ्रू आप मैच करेंगे, डॉग क्लच, जो ये देख रहा है ये दोनों क्या है, डॉग क्लच है, ये दोनों एक दूसरे से आपस में सट जाएंगे, जिससे हम लोग को क्या कौन सा गियर मिल जाएगा, थर्ड गियर जो टॉप गियर है, टॉप स्पीड गियर है। इससे हमको क्या है, जो क्लच का जो रोटेशनल है फुल रोटेशन, वो पूरा का पूरा रोटेशन ही पूरा का पूरा पावर का ट्रांसमिशन होने लग जाएगा इसमें मैन शाफ्ट में। ठीक है, तो इसमें एक बात यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं हम किसको, न्यूट्रल को। न्यूट्रल कैसे होता है, जब गियर जब मैन शाफ्ट का कोई भी गियर काउंटर शाफ्ट के गियर या फिर डॉग क्लच के थ्रू क्लच शाफ्ट के गियर से कोई भी मैच नहीं करता है तो हमको क्या मिलता है, न्यूट्रल गियर मिलता है, मतलब कि गाड़ी का पावर ट्रांसमिशन नहीं होता। मतलब यहाँ देख रहे हैं जो अभी फिगर मेरा जो बना हुआ है यह न्यूट्रल पोजीशन का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी गियर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो एक बात यहाँ समझ में आई कि पावर का ट्रांसमिशन क्लच शाफ्ट में होता है, क्लच शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट में होता था, इसका मतलब क्लच शाफ्ट के साथ जो काउंटर शाफ्ट है वो हमेशा रोटेट करते रहता है, क्लच शाफ्ट अगर रोटेट करना शुरू करता है तो काउंटर शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू कर देगा, और जो पावर का डिस्कनेक्ट होता है वो मैन शाफ्ट के थ्रू होता है। वो मैन शाफ्ट जब गाड़ी इंगेज होती है मतलब क्लच सेलेक्ट किया रहता है, सॉरी गियर सेलेक्ट किया रहता है, पावर का ट्रांसमिशन, जब गियर सेलेक्ट नहीं होता न्यूट्रल पोजीशन तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता और मैन शाफ्ट मेरा रोटेट नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिवर्स गियर को। रिवर्स गियर कहाँ, यहाँ। रिवर्स कैसे मिलता है हमको, आइडलर गियर के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, जब गियर ए मैन शाफ्ट का गियर ए आइडलर गियर से जाके मैच करता है तब जाके हमको रिवर्स गियर मिलता है। तो देखते हैं कैसे रिवर्स गियर मिलता है। पहले काउंटर शाफ्ट का एक गियर हमेशा मैच में होता है, कॉन्टैक्ट मैच में होता है किसके साथ, आइडलर गियर के साथ, ये मतलब हमेशा इसके साथ घूटते रहता है। और जब हमको रिवर्स गियर सेलेक्ट करना है तो हमको गियर ए को आइडलर गियर के साथ मैच करना पड़ता है, तब जाके हमको क्या मिलता है, रिवर्स गियर मिलता है। जैसे कि अगर ये इस दिशा में घूम रहा है, मान लेते हैं कि मेरा काउंटर शाफ्ट इस दिशा में घूमता है तो आइडलर गियर मेरा इस दिशा में घूमेगा और इस दिशा में घूमेगा, तो ये जो है मेरा मैन शाफ्ट वो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। इसी तरह से हम लोगों को क्या मिल जाता है, रिवर्स स्पीड मिल जाता है। समझ में आएगी बात, ठीक, यही है। तो यही था स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स के बारे में फुल्ली डिटेल्स। तो ठीक है, पहला हो गया, पहले स्लाइडिंग मैच गियर के बारे में देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा, उसके बाद वर्किंग देखा, फुल वर्क इसी तरह से स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स काम करता है। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।